अगर किसी भी तरह की लाइफ में अड़चन आ जाए और अगर आप उन जेवरात को बेचना प्रेफर ना करोगे तो उस गोल्ड को हेलो एंड नमस्ते पेचेक पोज, मैं हूं मनीष आहुजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जिसपे मैं आपके साथ बात करता हूं आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं नए वीडियोस बनाता हूं एवरी 4th, 14th और 24th तारीख को और ये वीडियोस मैं बनाता हूं दोनों इंग्लिश और हिंदी भाषा में ताकि आप अपने लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से इस कंटेंट को चूज़ कर सकें। मैं पिछले एक साल से ये वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा आने वाला वीडियो 24 तारीख को मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी वीडियो होगा और इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं हर दर्शक को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अ वेरी बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, फॉर कीपिंग मी मोटिवेटेड, फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, जिसके वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं नए और नए वीडियोस आपके लिए बनाता रह सकूं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सुझाव हो या सवाल हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके नए वीडियोस के बारे में, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में इसे डालना ना भूलिएगा ताकि मैं उन कमेंट्स के हिसाब से आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल हो जिसके लिए मुझे बहुत लंबा जवाब देना पड़े तो उसके बारे में मैं वीडियो बना सकूं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा 5 तरीकों के बारे में जिससे आप अपने पैसों को सेफ गार्ड यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं, सेव यानी कि आप अपने पैसों को कैसे बचा सकते हैं, और आप अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट यानी कि उसका कैसे निवेश कर सकते हैं। मेरा इस चैनल पे वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है ताकि व्यूअर्स इसे देखें, इससे कुछ सीखें और उस सीख से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर बढ़ा सके ताकि आप जो मेहनत करके अपना पेचेक कमाते हैं उससे आप इन्वेस्ट कर अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके। तो सबसे पहला तरीका पेचेक प्रोस इंश्योरेंस है। आप अपने लिए और जो भी इंसान आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उनके लिए जल्द से जल्द लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए। मैंने इंश्योरेंस के एक टॉपिक के ऊपर पिछले कुछ हफ्तों में बहुत वीडियोस बनाए हैं, इस हद तक कि मेरा पिछला वीडियो भी इंश्योरेंस के ऊपर ही कनेक्टेड था। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए जिसमें आपको पिछले वीडियो के तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही, और अगर इस चैनल के पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको उन वीडियोस के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो दूसरा तरीका है अपने पैसों को सेफगार्ड यानी कि सुरक्षित रखने का वो ये है कि आपके पास हमेशा थोड़ा कैश होना ज़रूरी है। कैश जैसे आप जानते हैं कि सबसे इजी तरीका है अपने आप को सिक्योर फील करने का, अगर कुछ भी हो जाए अचानक से तो आपके पास थोड़ा कैश अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे किसी भी एक्सपेंस के लिए मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट तोड़े ताकि आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम कर सके, और अगर ऐसा कोई अचानक से खर्चा आ भी जाए तो आपको पहले ही आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हों ताकि आप उन एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। तीसरा तरीका दोस्तों जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है गोल्ड। मैं जानता हूँ इसे सुन के काफ़ी लोगों के फेस पे एक स्माइल आ गई होगी क्योंकि इंडिया में गोल्ड सबसे ज़्यादा चहीता इन्वेस्टमेंट का तरीका है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक है उनकी ज्वेलरी या जेवरात खरीदना और दूसरा है गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स खरीदना। आज की तारीख में तो मैं कहूँगा कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो डिजिटल तरीके से आप कर सकते हैं। गोल्ड के जेवरात जब खरीदते हो आप तब आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर किसी भी तरह की लाइफ में अड़चन आ जाए और अगर आप उन जेवरात को बेचना प्रेफर ना करोगे तो उस गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं, आप उस गोल्ड को एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट कीजिए। गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स या डिजिटल तरीके से जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो आपको मन में पता होता है कि ये आपका सिर्फ एक तरीका है ताकि आप घर पे या बैंक में बहुत ज़्यादा कैश ना रखें और जब भी ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे पैसों की आप इस गोल्ड को लिक्विडेट करके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, उसे कैश में कन्वर्ट करके अपना खर्चा कर सकते हैं। चौथा तरीका है अपने पैसों को सेव करने का या इन्वेस्ट करने का, निवेश करने का, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक काफ़ी हद तक सेफ तरीका है, बहुत कन्वीनियंट तरीका है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पास्ट में जो आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे इन्हें कमेंट्स में पूछना ना भूलिएगा। पाँचवा तरीका जो आप ज़रूर इसके बारे में सोचना आपको ज़रूरी है वो है इक्विटीज़ या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। मैं जानता हूँ ये सुन के काफ़ी लोग भौचक्के हो जाएंगे या कन्फ्यूज़ हो जाएंगे या थोड़ा बहुत डर जाएंगे क्योंकि इंडिया में
शेयर मार्केट को लेकर बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट घूमता है, बहुत लोगों को लगता है शेयर्स में इन्वेस्ट करना सट्टा करना होता है या जुआ करना होता है। मैंने थोड़े वीडियोस बनाए हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मैं चाहूँगा कि आप देखिए, और मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इमीडिएटली इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिए, पहले मैंने आपको और चार तरीके बताए हैं, पहले वो कर लीजिए, आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ कंफर्टेबल हो जाइए और फिर आप इक्विटीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इक्विटीज़ में ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पेचेक प्रोज, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो का कारण ये नहीं है कि आप आज म्यूचुअल फंड्स खरीद लीजिए, कल इंश्योरेंस खरीद लीजिए, परसों जाकर आप अपना कैश का एक विड्रॉल कर लीजिए या कैश जमा कर लीजिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके स्टेप लें, ताकि जब आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रो करके आपका ही फायदा करेगा। इन्वेस्टमेंट का मकसद ही ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके जब इन्वेस्ट करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके इन्वेस्टमेंट्स का जो रिटर्न होगा वो आपकी सैलरी से भी ज़्यादा हो सकता है। ये एक या दो दिन में नहीं होगा, छः महीने में या एक साल में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है पाँच साल बाद, आठ साल बाद, जब आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी बढ़ जाए तब जाके आपको इसका फायदा नजर आएगा। और उसको स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं से तो पहल करनी पड़ेगी ना। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मैं आपके कमेंट्स को रीड करने के लिए बहुत उत्सुकता से वेट करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।